श श श सी षट कोण श सी षट कोण श श श। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? तो पता है आज मैं आपको श अक्षर की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपको पता है तीन बेस्ट फ्रेंड थे, हर्ष, हर्षिता और वर्षा। ये तीनों बहुत ही बेस्ट फ्रेंड थे, एक साथ खेलते थे, मस्ती करते थे और पढ़ाई भी करते थे। एक दिन क्या हुआ, हर्ष और हर्षिता एक बगीचे के अंदर खेल रहे थे और बगीचे का आकार पता है कौन सा था? षटकोण आकार का बगीचा था। उस बगीचे के अंदर खेल रहे थे और दोनों ना षड्यंत्र रचा रहे थे। कौन सा षड्यंत्र रचा रहे थे? कि जैसे ही वर्षा बगीचे के अंदर आएगी ना, तो हम उसके ऊपर कलर फेंक देंगे, ऐसे वो षड्यंत्र रचा रहे थे। और जैसे ही वर्षा बगीचे के अंदर आई तो उन्होंने, उन तीनों ने क्या देखा पता है? एक कीड़ा देखा, छटपद वाला कीड़ा देखा जिसके छह पैर थे। छटपद यानी छह पैर, छह पैर वाला कीड़ा देखा और कीड़े को देख के वो तीनों डर गए और डर के मारे वहां से भाग गए। तो ये थी श अक्षर की कहानी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? इस कहानी के अंदर हमने कौन कौन से शब्द सीखे श अक्षर के, तो चलिए देखते हैं। श षटकोण, श षड्यंत्र, श छटपद। तो आप देखते हैं कि श अक्षर को लिखा कैसे जाता है। पहले हम खेल खेल में सीखेंगे। इसके पहले आपने प बनाया था ना, प पतंग का, वैसे ही होता है श षटकोण का, बस थोड़ा सा फर्क है। वो क्या फर्क है हम देखते हैं। सबसे पहले कर्व, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, ये तो हो गया प। और श कैसे लिखते हैं श षटकोण का? इसके अंदर ये स्लैंटिंग लाइन होती है, तो ये बन गया हमारा श षटकोण का। प के जैसे ही होता है, बहुत ही आसान, श षटकोण का। श अक्षर को अब हम कॉपी में लिखेंगे। फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन, वन मोर स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, देन कर्व, स्लैंटिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, ये बन गया हमारा श। हम और एक बार लिखेंगे।